दोनों को ही वी वोल्टेज तक चार्ज किया गया इसमें तो सपोज़ जो चार्जेस हैं इनिशियली अगर मैं टी एज इकोडो जीरो का डायग्राम देखूँ तो टी एस एक्ोडो जीरो पे जो चार्जेस हैं वो इस तरीके से हो जाएंगे प्लस माइनस सी टू भी और यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस माइनस सी वन बी तो दिज आर द चार्जेस और जैसे मैं सर्किट को क्लोज करता हूँ तो सर्किट को क्लोज़ करने के बाद में अब किसी जनरल टाइम का डायग्राम बनाते हैं तो किसी भी जनरल टाइम पे जो डायग्राम होगा डायग्राम समथिंग लाइक दिस और सपोज़ इन पे जो चार्जेस हैं वो चार्जेस ये सी वन है इस पर मैं रेज्यूम कर लेता हूँ कि चार्जेस प्लस माइनस क्यू वन है यहाँ पे चार्जेस हैं प्लस माइनस क्यू टू सपोज़ यहाँ से आई वन करेंट सर्किट में फ्लो कर रहा है और यहाँ से आई टू करेंट सर्किट में फ्लो कर रहा है और यहाँ पर जो करेंट जा रहा है यहाँ पर जंक्शन लो लगा लेते हैं यहाँ पर तो आई वन प्लस आई टू इसमें चला जाएगा जिसको मैं आई बोल देता हूँ तो आई इज़ इक्ल टू आई वन प्लस आई टू तो दिस इज़ दे सर्किट आई टी इज़ इक्ल टू टी अगर आप यहाँ पर इस पूरे क्लोज लूप को देखो यहाँ से स्टार्ट करते हुए और बाहर बाहरी जो क्लोज लूप है इसको देखो तो के वी एल की इक्वेशन अगर मैं इस क्लोज लूप के लिए लिखता हूँ जो बिल्कुल आउटर लूप होगा यहाँ पर तो यहाँ से यहाँ प्लस क्यू वन बाई सीवन और यहाँ से यहाँ फिर जाएंगे तो माइनस क्यू टू बाई सी टू दिस इज इक्वल टू जीरो दैट मीन्स कि क्यू वन बाई सीवन इज इक्वल टू क्यू टू बाई सी टू या फिर आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर Q1 वन बाई सी वन इज़ इक्वल टू क्यू टू बाई सी टू के इक्वल यहाँ पर हो जाएगा इसमें और जो ये करेंट्स हैं आई वन आई टू इनको आप ऐसे लिख सकते हो आई वन कैन बी रिटर्न एज इन टर्म्स ऑफ चार्ज तो, तो यहाँ पर ये यह हो जाता है माइनस डी क्यू वन बाई डी टी माइनस क्यू आया क्योंकि ये जो करेंट है वो करेंट इस चार्ज को डिक्रीज़ कर रहा है यहाँ पर जो चार्ज प्लस क्यू वन है उसको ये डिक्रीज़ करने का काम कर रहा है क्योंकि यहाँ से करंट बाहर जा रहा है और इसी तरीके से यहाँ पर आप देखो तो आई टू को यू कैन राइट माइनस डी क्यू टू बाई डी टी अगर यही करंट अगर इस प्लेट पे अगर आ रहा होता तो इस प्लेट के चार्ज को इंक्रीज़ कर रहा होता तो उस केस में पॉजिटिव यूज़ करता तो यहाँ पर ये जो करंट दिखाया गया डायग्राम के अंदर वो इस चार्ज को डिक्रीज़ कर रहा है तो ये सारी बातें हुई यहाँ पर अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर लो तो आप इस आई वन आई टू में रिलेशन बता सकते हो कि आई वन आई टू में कैसा रिलेशन यहाँ पर आएगा तो अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूँ तो दोनों साइड अगर मैं डिफरेंशिएशन कर लूँगा तो माइनस दोनों साइड से फिर हट भी जाएगा क्योंकि जो आप डी क्यू वन बाई डी टी करोगे तो डी क्यू बाई बाई डी टी हो जाएगा माइनस आई वन डी क्यू टू बाई डी टी करोगे तो वो हो जाएगा माइनस आई टू तो इसको डिफ्रेंशिएट अगर मैं कर लूँ तो उससे मेरे को रिलेशन मिल जाएगा आई वन बाई सी वन दिस इज इक्वल टू आई टू बाई सी टू दैट मीन्स जो करेंट है वो करेंट कैपेसिटेंस के रेशियो में है आई वन बाई टू इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू अब मुझे अगर टाइम के फंक्शन में वैसे यहाँ पे पूछा नहीं गया टाइम के फंक्शन में लेकिन मैं जस्ट यहाँ पे एक बार टाइम के फंक्शन में इनको कैलकुलेट करने जा रहा हूँ तो टाइम के फंक्शन में अगर मुझे चार्ज और करेंट और ये सब कुछ कैलकुलेट करना है तो मुझे एक इक्वेशन लिखनी पड़ेगी और सपोज ये जो लूप है यहाँ पर दिस स्मॉलर लूप इस स्मॉल लूप के लिए मैं यहाँ पर केवल की इक्वेशन लिख लेता हूँ तो केवियल की इक्वेशन गोइंग फ्रॉम हेयर टू हेयर वी कैन राइट क्यू वन बाय सी वन और फिर उसके बाद जब आप इंडक्टर में आते हो तो इंडक्टर में आप इस डायरेक्शन में आ रहे हो तो ये प्लस और ये माइनस इट विल बी माइनस एल डी आई बाई डी टी दिस इज इक्वल टू ज़ीरो अब इसमें मुझे यहाँ पर अब जैसे यहाँ पर तो क्यू वन आ गया यहाँ पर कुछ आई वन और इन सब के टर्म्स आने चाहिए इसके अंदर तो जो आई है उसको आप आई वन के टर्म्स में ला सकते हो जैसे जो आई वन है आई वन अपन आई टू का जो रेशो है वो सीवन बाई सी टू है इंडिविजुअल अगर आप आई लिखोगे तो सीवन बाई सी टू के रेशो में कौन डिवाइड हो रहा है टोटल करेंट जो टोटल करेंट आई है वो एक तरीके से वन रेशो सी में डिवाइड हो रहा है तो I1 वाला पार्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा तो ऊपर C1 आ जाएगा नीचे दोनों का समेशन हो जाएगा C1 वन प्लस सी तो इस फैक्टर से आप I को मल्टीप्लाई कर दोगे तो I1 मिल जाएगा तो अगर मैं यहाँ पर I को रिप्लेस करूँ इन टर्म्स ऑफ I1 क्योंकि मैंने यहाँ पर Q1 के टर्म्स में इक्वेशन लिखी है तो यहाँ पर भी कुछ I1 का टर्म होना चाहिए तभी जाके हम आगे सॉल्व कर पाएंगे इसको तो क्यू वन बाई सी वन माइनस एल डी बाई डी टी ऑफ आई किस जगह पर आप रख सकते हो सी वन प्लस सी टू बाई सी वन इंटू आई वन ये सी वन सी वन दोनों में कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ सिर्फ क्यू वन बचेगा क्यू वन माइनस ये भी आप कॉमन इधर निकाल लो तो एल सी वन प्लस सी टू दिस विल बी डी आई वन बाई डी टी तो कम्प्लीटली मैंने आई वन और क्यू वन के टर्म्स में इस सिक्वेशन कन्वर्ट कर दिया है अब इसके बाद में लेकिन अभी एक चार्ज का टर्म है और एक करेंट का टर्म है तो आप करेंट को यहाँ से हटा सकते हो और आई वन की जगह पर आप इसको रिप्लेस कर सकते हो आई वन को आप लिख सकते हो माइनस डी क्यू वन बाई डी टी तो क्यू वन माइनस एल सी वन प्लस सी टू डी बाई डी टी ऑफ तो आई वन हमारा था माइनस डी क्यू वन बाई डी टी दिस इज इक्वल टू ज़ीरो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे और फिर इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं टर्म्स को तो इट विल बिकम एल सी वन प्लस सी टू डी टू क्यू वन बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्यू वन दिस इज इक्वल टू ज़ीरो और इसको कन्वर्ट कर लेते हैं आपको इस तरीके से डी टू क्यू वन बाई डी टी स्क्र इज इक्वल टू माइनस क्यू डिडेड बाई क्यू वन डिवाइडेड बाय एल इंटू सी वन प्लस सी टू अब ये जो इक्वेशन है वो इस फॉर्मेट की आ चुकी है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू क्यू वन और सभी को पता है कि दिस इज इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक सिंपल हार्मोनिक वेरिएशन की इक्वेशन है इसका मतलब ये जो चार्ज है वो सिंपल हार्मोनिकली वेरी कर रहा है तो दिस इज़ हार्मोनिक ऑसोलेशन और इसके जो इक्वेशन बनती है यहाँ से ओमेगा आपको पता चल जाएगा जो ओमेगा कैलकुलेट करना था वहाँ पर नेचुरल फ्रीक्वेंसी ये एंगल फ्रिक्वेंसी है बेसिकली तो ओमेगा इज इक्वल टू वन बाई रूट ऑफ एल सी वन प्लस सी टू तो ये तो हो गया ओमेगा के लिए आंसर अभी मुझे और करेंट और चार्ज ये सब निकालना है इसमें तो इसका जो भी सॉल्यूशन होता है वो कुछ सम मैक्सिम वैल्यू इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव होता है तो उसमें जो फाइव वगैरह आ रहे हैं उनको मैं इनिशियल जो भी हमें वैल्यूज़ दी गई उससे मैं देख सकता हूँ यहाँ पे कैसा आना चाहिए तो इनिशियली चार्ज जो था एक तरीके से मैक्सिमम था उसके बाद में चार्ज घटता गया तो इसमें इक्वेशन में कॉस आना चाहिए तो क्यू वन जैसे एक पार्टिकल अगर अपने एक्सट्रीम पोजिशन पर होता है एक्सेज इक्वल टू ए वगैरह पे होता है तो उसके इक्वेशन जब लिखते हैं तो आता है एक्सेज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी कुछ वैसा ही है चार्ज अपनी एक्सट्रीम पे पर चार्ज अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर है तो उसमें कॉस टर्म आएगा तो क्यू वन मैक्स इन टू कॉस ओमेगा टी ठीक है तो मैंने इनिशियल सिचुएशन को देख करके यहाँ पे कॉस ओमेगा टी डिसाइड कर लिया कि ये लिखना चाहिए मुझे यहाँ पर और क्यू वन की जो मैक्सिमम वैल्यू है इनिशियली जो थी वही होगी यहाँ पर तो क्यू वन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हो जाएगी सीवन वी तो इट इज सी वन वी कॉस ओमेगा टी ये Q1 वन आ गया इसी तरीके से आप चाहो तो Q2 निकाल सकते हो क्योंकि Q1 और Q2 में आपको रिलेशन पता है यहाँ पे C1 वन बाई इस तरीके का तो ये निकाला जा सकता है इसके बाद अगर मुझे करंट पता करना है तो करंट पे आते हैं अब यहाँ पे तो पहले आप यहाँ से I1 निकाल सकते हो तो अगर मुझे I1 कैलकुलेट करना है तो I1 है माइनस डी क्यू वन बाई इसका ध्यान रखेंगे क्योंकि माइनस लेके चल रहे थे स्टार्टिंग से ही और यहाँ पर जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो कॉस के वैसे भी एक माइनस आएगा ये माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा इट विल बी सी वन वी ओमेगा साइन ओमेगा टी ओमेगा वगैरह की वैल्यू आप यहाँ पे रख सकते हो तो उसको मैं रख दूंगा बाद में यहाँ पे आप आई वन की मैक्सिम वैल्यू देखो कि आई वन की मैक्सम वैल्यू कितनी है आपको इंडक्टर में मैक्सिम वैल्यू निकालनी है कितनी है लेकिन पहले मैं आई वन की मैक्सिम वैल्यू निकाल लेता हूँ तो आई वन मैक्स मुझे पता चल गया सी वन वी ओमेगा है अब देखिए आई वन का रिलेशन आई के साथ आप कर सकते हो अगर आपको आई वन के मैक्म वैल्यू पता है तो वहाँ से आई के मैक्सिम वैल्यू भी यहाँ से निकाली जा सकती है तो आई की जो मैक्स वैल्यू है दैट विल बी सी वन डिवाइड बाई सी वन प्लस सी टू सॉरी ये आई लिखेंगे तो सीवन प्लस सी टू पर चला जाएगा तो सी वन प्लस सी टू डिवाइड बाई सी वन इंटू आई वन मैक्स हो जाएगा और आई वन मैक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है सी वन वी ओमेगा तो ये सीवन सी वन कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद में आप यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू पुट कर लो तो सी वन प्लस सी टू वी और जो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास में कैलकुलेट करके आई है ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर है वन अपॉन एल सी वन प्लस सी टू अंडर रूट तो उससे फाइनली आई मैक्स का मैं आंसर यहाँ पर लिखने वाला हूँ अभी यहाँ पर इसमें तो आई मैक्स का जो आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा सी वन प्लस सी टू बाई एल इन टू वी के इक्वल तो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम करेंट इन द इंडक्टर इसी क्वेश्चन को आप डायरेक्टली भी इस तरीके से कर सकते थे कि जैसे सी वन सी टू पोटेंशियल डिफ्रेंस इन इन पे इक्वल है हमेशा यहाँ पर तो ये एक तरीके से ये पैरल की तरह बिहेव कर रहे हैं कि सी वन सी टू आर इन पैरल तो पैरेलल हैं तो आप इसका इक्वलेंट यहाँ पर लिख करके इसको एक सिंपल एलसी सर्किट में कन्वर्ट कर सकते थे अगर ये सिंपल एलसी सर्किट में कन्वर्ट हो जाता है तो इसके लिए हमें ओमेगा पता होता है कि दिस इज़ वन बाई रूट एल सी और यहाँ पर जो सी है वो आप रिप्लेस कर सकते हो सी वन प्लस सी टू के बराबर और इनमें जैसे करंट की अगर आप मैक्सिमम वैल्यू निकालते हो सॉरी चार्ज की अगर आप वैल्यू निकालते हो तो चार्ज की वैल्यू जो होती है वो कुछ इस तरीके की हो जाती है कि मैक्सिमम चार्ज इनटू कॉस ओमेगा या साइन ओमेगा कुछ इस तरीके का आता है यहाँ पे उससे जब आप करेंट निकालते हो मैं जस्ट एग्जैक्ट नहीं लिख रहा हूँ जस्ट यहाँ पे वेरिएशन बता रहा हूँ तो जब करंट वगैरह लिखते हो तो उसमें क्यू ओमेगा का टर्म आना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर वहाँ पे कॉस आ रहा तो फिर यहाँ पे साइन आ जाएगा ठीक है और ये एक तरीके से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट हो जाता है फिर तो क्यू एक तरीके से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज है और ओमेगा यहाँ पर एंगल फ्रिक्वेंसी है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम करंट मिल जाता है तो मैक्सिमम चार्ज यहाँ पर तो इस कैपेसिटर पर मैक्सिमम चार्ज कितना हो जाएगा पोटेंशियल वी था तो मैक्सिमम चार्ज यहाँ पर सीवन प्लस ए टू इंटू वी और ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी वन बाई अंडर रूट एल सी वन प्लस सी टू तो आप देख सकते हो इनको मल्टीप्लाई करके आपको वही आंसर मिल जाएगा जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है यूजिंग दी होल बेसिक कैलकुलेशन इसके अलावा आप यहाँ पर मैक्सिमम करंट निकालने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा सकते तो हो तो मैक्सिमम करंट कब होगा जब डी आई प्वांटिटी जीरो हो जाए और डी आई प्वाटिटी जीरो होने का मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंसेज यहाँ पर एक तरीके से ज़ीरो हो जाए पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होते ही यहाँ और यहाँ का चार्ज चला गया तो जब यहाँ और यहाँ पर चार्ज नहीं होगा उस टाइम पर मैक्सिमम करंट होगा इस इंडक्टर के थ्रू तो मैक्सिमम तो करंट का मतलब है डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर आई मैक्स तो डी आई बाई डी टी वहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा हमें पता है कि इसका जो वेरिएशन होता है वो सिंपल हार्मोनिक नेचर का होगा उसमें डिफरेंशिएशन जीरो आएगा आई मैक्स यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना था तो डी आई प्वाडिटी जीरो होने का मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस इन दिस टू टर्मिनल इज इक्वल टू जीरो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने का मतलब है कि इन पे चार्जेस ज़ीरो तो इसका मतलब एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से देखें तो कैपेसिटर के सारी एनर्जी जो है वो इंडक्टर के पास पहुंच गई होगी तो फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन वी कैन राइट इनिशियल एनर्जी जो मैक्सिम इनिशियल एनर्जी हाफ़ सी वन वी स्क्वायर हाफ़ सी टू वी स्क्वायर और ये सारी के सारे इंडक्टर के पास पहुँच चुकी है तो हाफ़ एल आई मैक्स स्क्वायर तो ये हाफ़ हटा लेंगे यहाँ से और आई मैक्स की वैल्यू वी कैन फाइंड फ्रॉम हियर ऑल्सो तो सी वन प्लस सी टू और एल ये अंडर रूट में चला जाएगा और वी स्क्वायर हो तो ये वी हो जाएगा तो यहाँ से भी इनके आंसर सॉपटेन किए जा सकते थे